महाराष्ट्र के 57वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का भव्य आयोजन सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की पावन छत्र छाया में 26, 27 एवं 28 जनवरी को सुमठाना मिहान के सेक्टर 12A, 14A एवं 15 के विशाल मैदानों में आयोजित किया जा रहा है। मानव जीवन को अंतर मन के सुकून से भरपूर करते हुए संसार में अमन शांति का कल्याणकारी संदेश जनमानस तक पहुंचाना ही इस संत समागम का मुख्य उद्देश्य है। इस भव्य आध्यात्मिक आयोजन की तैयारियों के लिए स्वैच्छिक सेवाओं का विधिवत उद्घाटन संत निरंकारी मंडल के प्रचार प्रसार के मेंबर इंचार्ज श्री मोहन छाबड़ा के कर कमलों द्वारा रविवार 24 दिसंबर को नागपुर सहित मुंबई एवं महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों से आए हजारों श्रद्धालु भक्तों की उपस्थिति में बड़े हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में किया गया। इस अवसर पर संत निरंकारी मंडल के लेखा जोखा विभाग के मेंबर इंचार्ज जोगिंदर मनचंदा, प्रचार प्रसार के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दर्शन सिंह, समागम समिति के चेयरमैन शंभुनाथ तिवारी, समन्वयक किशन नागदेवी एवं सेवा दल के केंद्रीय अधिकारी गुलेरिया और सुरेंद्र दत्ता आदि उपस्थित थे। समागम समिति के अन्य सदस्यों के अतिरिक्त समस्त महाराष्ट्र के क्षेत्रीय संचालकों ने सेवा दल स्वयं सेवकों सहित इस समारोह में भाग लिया। स्वेच्छा सेवाओं के उद्घाटन अवसर पर आदरणीय मोहन छाबड़ा ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के समागमों का आयोजन सद्गुरु के दिव्य दृष्टिकोण के अनुसार मानव को मानव के साथ जोड़ने का होता है। मनुष्य जब ईश्वर के साथ अपना नाता जोड़ता है तो सहज ही में वह सभी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व के सूत्र में बन जाता है। यह समागम एक ऐसा अवसर है जहाँ आकर हर मनुष्य ब्रह्मानुभूति से आत्मानुभूति प्राप्त करते हुए अपना रुतबा ऊंचा बना सकता है तथा स्वयं सुंदर जीवन जीकर धरती के लिए एक वरदान बन सकता है। इस दिव्य संत समागम को पूर्णता सफल बनाने हेतु निरंकारी सेवा दल के स्वयंसेवक एवं बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए श्रद्धालु भक्त लगन एवं तन्मयता के साथ तैयारियों में लगे हुए हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तथा निरंकारी राजपिता जी यांच्या छत्रछायेत दिनांक 26, 27, 28 जानेवारीला याच ग्राउंडवर सुमठाना निहान नागपूर इथं आपला संत समागम महाराष्ट्राचा 57वा संत समागम संपन्न होणार आहे। या समागमाचा उद्देश एकच आहे की मानव मन हे अंतर्मन सुखी समाधानी होऊन परिपूर्ण होऊन विश्वाच्या शांतीसाठी शांती स्थापनेसाठी दिव्य संदेश जनमानसामध्ये जनाजनामध्ये पोहोचावा हाच संत समागमाचा मेन उद्देश आहे। आणि या संत समागमामध्ये सगळ्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मध्य भारताच्या कानाकोपऱ्यातून लाखोच्या संख्येने भाविक इथे येणार आहेत। आज विश्वामध्ये स्वतःची ओळख नसल्यामुळे भौतिकतेच्या मागे माणूस धावून अंतर्मन दुखी करत आहे आणि त्याच्यामुळे कितीही संपन्न झाला किती भौतिक विकास झाला तरी माणूस माणसाचा वैरी बनलेला आहे आणि अशांतता आपण सगळ्या विश्वामध्ये पाहत आहोत। ती शांतता कशी येईल तर एक ईश्वराला ओळखून सगळे एक होते विश्वबंधुता वसुदेव कुटुंबकम विश्वशांती याच मार्गासाठी त्या दिव्य संदेश सगळ्यांपर्यंत पोहोचावा स्वतःची ओळख सगळ्यांना व्हावी देवाची ओळख देव एक आहे आणि त्याला ओळखून सगळे एक होऊ शकतात ते एकात्मते हा संदेश देण्यासाठी या संत समागमाचा आहे। सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज यांच्या पावन कृपा आशीर्वादाने महाराष्ट्राचा 57वा संत समागम जानेवारी महिन्याच्या 26, 27, 28 या दिवशी नागपूर या ठिकाणी साजरा होत आहे आणि ह्याची पूर्व तयारी करण्यासाठी 1 डिसेंबर 2023 पासून नागपूर गडचिरोली या क्षेत्रातील सर्व सेवांचे बंधू भगिनी व सासंगाचे महात्मा यांनी या ठिकाणी येऊन सेवा शुभारंभ केलेला आहे। आजचा हा सेवेचा शुभारंभ 24 तारखेला जरी असला तरी याची पूर्व तयारी म्हणून 1 डिसेंबर पासूनच या ठिकाणी सेवा सुरू झालेली आहे। प्रत्येक आठवड्यासाठी महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्ह्यातून विशेषतः मुंबईतून नवी मुंबईतून रायगड रत्नागिरी गोवा त्याचबरोबर पुणे सातारा सांगली सोलापूर कोल्हापूर विदर्भ आणि मराठवाडा या प्रत्येक जिल्ह्यातून सेवांचे संत महात्मा या ठिकाणी उपस्थित राहून सेवा करणार आहेत। त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या जवळ असणारा मध्य प्रदेश इथून जबलपूर छत्तीसगड इथून दुर्ग व तेलंगणा इथून हैदराबाद या ठिकाणाहून देखील सेवांचे संत महात्मा या ठिकाणी पोहोचून त्या सर्व समागमाची तयारी पार पाडणार आहेत। समागमच्या तयारीसाठी प्रत्येक आठवड्याला 1000 ते 1500 या संख्येमध्ये स्वयंसेवक व सत्संगत या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से महाराष्ट्र का 57 समागम नागपुर में
सद्गुरु ने कृपा करी है और ये आगामी जनवरी की 26, 27 और 28 तारीख को ये संपन्न होने जा रहा है। और संत निरंकारी मिशन यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मिशन है, प्रेम का मिशन है, भाईचारे का मिशन है, शांति का मिशन है। और ये वही संदेश जो सदियों सदियों से संतों ने, महापुरुषों ने जो एक विश्व बंधुत्व का एक बात हमेशा से समझाने का प्रयास किया, इंसान को इंसान के करीब लाने का प्रयास किया। और इंसान तभी एक दूसरे, ये जितनी भी दीवारें हैं मनों की, वैर की, ईर्ष्या की, नेगेटिविटी की, तब होता है संभव जब इंसान ईश्वर के साथ नाता जोड़ता है, परम पिता परमात्मा के साथ नाता जोड़ता है, एक पिता एकस के हम बालक। तो आज यहाँ जो एक बरसों से संत निरंकारी मिशन का ये पूरे विश्व को ये देन दी जा रही है, तो यही देन आज इस महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी सब लोग कृपा से ये देने का प्रयास किया जाएगा समागम के द्वारा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।